गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक एंड अगेन वी आर हेयर विद आवर टॉपिक मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ लेसन नंबर फाइव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू डोमेन्स लिथोसफियर एंड हाइड्रोस्फियर एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड एटमोसफियर द एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर एटमोसफेयर के सराउंड में जो गैसेस हैं गैसेज का एनवेलप है उसे एटमोसफियर कहा जाता है द लेयर ऑफ़ एयर एक्सटेंड थाउजेंड ऑफ़ किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस के हज़ारों किलोमीटर ऊपर तक ये अर्थ एयर की लेयर फैली हुई है नाइन्टी सेवन परसेंट एयर जो है वो ट्वेंटी सेवन किलोमीटर हाइट पे मिलती है दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो लोअर एटमोसफियर का जो लोवेस्ट पार्ट है वो ज़्यादा डेंस है अपर पार्ट की बजाय नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अब एटमोसफियर हमारा किन किन गैसेज से मिलकर बना है एटमॉस्फियर इज मेनली कंपोज ऑफ सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन एंड वन परसेंट कंसिस्टिंग ऑफ आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो प्रोटीन का मेन सोर्स है वो कौन सी गैस है नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज यूज फॉर ब्रीथिंग एवरी वन नोज द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक फूड फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द अर्थ वार्म जो एयर की ये जो लेयर है वो क्या करती है हमारे इन्वायरमेंट को हमारी अर्थ को गरम रखने में हेल्प करती है वाटर वेपर्स इज ऑल्सो कन्फाइंड टू द लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफियर वाटर वेपर्स भी लोअर लेवर लेयर के अंडर ही आती हैं और इसके बिना कोई बारिश या स्नो नहीं होगी किसके बिना वॉटर जो हमारी वॉटर वेपर हैं उनके बिना नेक्स्ट एटमोसफियरिक प्रेशर ग्रेविटी पोल्स द एटमोसफियर डाउन टू द अर्थ दिस पुल क्रिएट्स वेट इन द एयर देयर फॉर इट एक्सट्रेस प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस तो एज़ वी कैन सी इन द पिक्चर पिक्चर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे क्या होगा जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा उसके साथ साथ जो डेंसिटी और जो प्रेशर है एयर का वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा इसके एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेंगे जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं जो माउंटेन पे चढ़ने वाले होते हैं पर्वतारोही होते हैं वो क्या करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ऊंची हाइट पे ब्रेथ सांस लेने के लिए इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द रीजंस ऑफ़ द हाई टेम्परेचर आर द रीज़न ऑफ लो प्रेशर वाइल द पोलर रीजन ऑफ द लो टेम्परेचर आर द रीजन ऑफ हाई प्रेशर जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ जो उन एरियाज़ में हाई प्रेशर रहता है एयर का वहाँ हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है द डिफ्रेंस इन द एयर प्रेशर ओवर डिफरेंट एरियाज मेक द एयर मूव एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज़ टू लो प्रेशर एरियाज़ जो एयर की मूवमेंट होती है वो हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की तरफ होती है मूविंग एयर इज़ इट्स ओरिजेंटल मोशन इज़ कॉल्ड विंड जो एयर की मूवमेंट है जब होरिजेंटल वे में वो मूव करती है उसे विंड कहा जाता है नेक्स्ट पार्ट इज़ बायोस्फीयर लाइफ एग्जिस्ट ओनली द नैरो जोन एक नैरो जोन है अर्थ का जहाँ लैंड वाटर और एयर एक साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं और इसे इस जोन को बायोस्फीयर बोला जाता है बायस का मीनिंग एनसियंट ग्रीक में किसका क्या मीनिंग है लाइफ बायस का एनसियंट एनसियंट ग्रीक में मीनिंग लाइफ है द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोस्फेयर आर डिवाइडेड इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम टेन लैक्स के अराउंड एनिमल्स की वेराइटी है और थर्टी थाउजेंड के अराउंड प्लांट्स की वेराइटीज़ हैं और इनका साइज माइन्यूट बैक्टीरिया से लेकर जो बड़े पेड़ हैं या फिर एनिमल लाइक एलिफेंट और वेल्स हैं ये बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं तो इस टाइप की वैराइटीज़ और इस साइज़ के एनिमल्स और ऑर्गेनिज़म uh, इस बायोस्फीयर में पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर बायोस्फीयर का इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन है ह्यूमन द बायोस्फीयर इज़ मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट एरियाज ईच विद इट्स ओन क्लाइमेट सॉयल एंड लिविंग कम्युनिटीज़ ऑफ प्लाट्स एंड एनिमल्स ये सभी चीज़ें मिलकर किसका निर्माण करती हैं इको सिस्टम का कौन कौन सी चीज़ें क्लाइमेट सॉयल लिविंग कम्युनिटीज़ ऑफ किसकी प्लांट्स एंड एनिमल्स की इन सभी को इको सिस्टम बोला जाता है नेक्स्ट वन इज़ मैन एंड द इन्वायरमेंट अब मैन और इन्वायरमेंट का रिलेशन कैसा है कैसा होना चाहिए और आज के मॉडर्न टाइम में इनकी इनका जो रिलेशन है वो कैसा है इन्वायरमेंट एनी चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन अफेक्ट आल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हर एक की लाइफ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन इफ़ेक्ट करती हैं अभी जो रिसेंट ईयर्स हैं ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ है जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है इस इन्वायरमेंट इस पॉपुलेशन की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है उनका शोषण किया जा रहा है इससे क्या होगा जो हमारा नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा फॉरेस्ट को साफ़ किया जा रहा है खेत बनाने में और हमारे शहर बनाने में मिनरल्स निकालने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं जिसकी वजह से हमारा लैंड वाटर और एयर जो है वो पोल्यूट हो रही हैं अगर हम बैलेंस रखना चाहते हैं नेचर के साथ प्रकृति के साथ तो हमें क्या करना होगा वी मस्ट यूज़ अवर रिसोर्स वाइजली हमें अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और उनका यूज़ अच्छे वे से करना है ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी उनका उनके बेनिफिट्स उठा पाएँ उनके फ़ायदे वो भी उठा पाएँ और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रहे